प्रेजेंटेड बाय टाटा टी अग्नि। टाटा टी अग्नि, जोश जगाए हर रोज। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ऐसे में चर्चा ये है कि आखिर कौन कौन विपक्षी दल का नेता इस कार्यक्रम में पहुंचा हुआ था। लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरें, तमाम दावे किए गए। क्या अखिलेश यादव इस राम मंदिर कार्यक्रम में पहुंचे? क्या मायावती या उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा, या फिर यादव परिवार से कोई पहुंचा? ये बड़ा सवाल है। यूपी तक ने जब कैमरे खंगाले और लोगों के चेहरे पहचाने, तब कई तस्वीरें निकल कर सामने आईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव की। आपको बता दें कि अपर्णा विष्ट यादव को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पहले ही मिला था, जिसके बाद वे अपने पति के साथ यानी कि प्रतीक यादव के साथ अयोध्या पहुंची हुई थी। यहां पर उन्होंने रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज अरुण के साथ तस्वीरें खिंचाई और ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी। अपर्णा यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरुण जी, जिन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई है, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व से ये संभव था परम वैष्णव भगवान राम की मूर्ति को तराशना। जय श्री राम। वहीं अपर्णा यादव की तस्वीरों के साथ कई सारी तस्वीरें प्रतीक यादव की भी सामने आई, जहां पर प्रतीक यादव यहां पर सानिया नेहवाल के साथ खड़े नजर आए। इसके साथ प्रतीक के साथ उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी दिखी। प्रतीक यादव ने राम मंदिर के मंडप के बाहर एक तस्वीर पोस्ट की और जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग के लिए तो है ही, जो कि यहाँ पे उपस्थित थे इस मौके पे, इस अवसर पे, जो कि 500 साल बाद ये अवसर फिर से देशवासियों को मिल पाया है कि श्री राम की पूजा उनके मंदिर में कर पाए, और मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। जय श्री राम। फिलहाल यादव परिवार से, समाजवादी पार्टी से कोई यहां पर नेता नजर नहीं आया, लेकिन यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव के साथ जरूर यहां पर दिखी। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।